हेलो किड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 9, डेमोन एंड पीथियस पार्ट 2। चिल्ड्रन, पार्ट 1 आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माय प्रीवियस वीडियो। दान नोज दैट नैट इज इनोसेंट, बट कैन ही प्रूव इट टू एवरीवन? दान को पता है कि उसका दोस्त नैट जो है वो मासूम है, उसने कोई चोरी नहीं की है, पर क्या वो यह बात सबके सामने साबित कर पाएगा? ऑन मंडे मॉर्निंग वाइल हंटिंग एक्स फॉर टॉमी, बिली सेड देयर्स लॉट्स ऑफ मनी इन हियर। एक दिन सोमवार की सुबह जब बिली टॉमी के लिए अंडे इकट्ठे कर रहा था, तो वह कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे पैसे रखे हैं। No, there isn't. I am never leaving my cash round again, returned Tommy. Tommy जो है वो वहां से कहता है कि मैं यहाँ हो ही नहीं सकता कि मैंने यहाँ पे पैसे रखे हों, मैं अपने पैसे कभी इस तरह नहीं रखता हूँ। I see 124 dollar, insisted Billy, who had not yet learnt number. बिली, जिसे गिनती नहीं आती है, वो जोर देके कहता है कि यहाँ पर 1, 2, 4 dollar रखे हुए हैं। टॉमी हॉप्ड अप टू सी वॉट बिली वॉज टॉकिंग अबाउट। टॉमी जो है वो कूदते वहां हुए वहां पर आता है ये देखने के लिए कि बिली किस बारे में बात कर रहा है। एंड देयर एक्चुअली वर 4 bright coins इन अ रो। वहां पे सही में 4 चमकते हुए सिक्के एक लाइन में रखे हुए थे, विद अ बिट ऑफ पेपर ऑन देम मार्क्ड टॉम बैंक्स। उनके ऊपर एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था टॉम बैंक। ग्रैबिंग द कॉइन्स टॉमी रैन इन टू द हाउस। टॉमी जो है वो पैसे लेकर घर में दो अंदर की तरफ दौड़ता है, शाउटिंग इट्स ऑल राइट, गॉट माई मनी, वेयर्स नेट। वो जोर से चिल्लाता है कि मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, कोई बात नहीं, नेट कहाँ पर है? ही वॉज सून फाउंड एंड हिज सरप्राइज एंड प्लेजर वर सो सिंसियर। उसे वो जल्दी ही मिल गए और उसका आश्चर्य और खुशी इतनी सिंसियर थी कि दैट फ्यू डाउटेड हिज वर्ड। कुछ लोगों को उसके शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। व्हेन ही डिनाइड ऑल नॉलेज ऑफ द मनी, जब उसने उन पैसों के बारे में इनकार किया था कि मुझे मेरे पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई एम जॉली ग्लैड इट्स नॉट यू, सेड टॉमी शेकिंग हैंड्स हार्टली विद नेट। वो टॉमी जो है नेट से दिल से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि ये पैसे तुमने नहीं लिए थे। मिस्टर बाहिर वॉज ग्लैड वन स्टेप हैज बीन टेकन इन द राइट डायरेक्शन। मिस्टर बाहिर जो है उन्हें ये जानकर खुशी होती है कि सही दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। एंड वेटेड होपफुली फॉर फर्दर रेलेवेंस। वो आशा से इस रहस्य के ऊपर और पर्दा उठे इस उम्मीद में थे। एज दे सैट एट सुपर दैट नाइट, जब वो रात को खाने के लिए बैठे, ए पार्सल विद अ नोट वॉज डिलीवर्ड फ्रॉम अ नेबर। एक पार्सल जो है वो उनके पड़ोस से कोई लेकर आता है। डेमी पुल्ड ऑफ द रैपर। डेमी जो है वो उसका कागज निकालता है, एक्सक्लेमिंग व्हाई, इट्स द बुक अंकल टैडी गेव डैन। कहता है क्यों, ये तो वो किताब है जो अंकल टैडी ने डैन को दी थी। मिस्टर बाहिर लुक अप क्विकली। मिस्टर बाहिर भी उस किताब की तरफ जल्दी से देखते हैं। व्हाट इज इट, आस्क्ड मिस्टर बाहिर एनक्शियसली। मिस्टर बाहिर जो है चिंतावश पूछते हैं ये क्या है। द नोट इज फ्रॉम मिसेस बेटीज। उस मिसेस बेटी ने एक नोट लिख कर दिया था, एंड शी सेज दैट हर बॉय जिमी बॉट दिस बुक फ्रॉम डैन लास्ट सैटरडे। और वो कहती है कि उनके लड़के जिमी ने यह किताब डैन से पिछले शनिवार को
खरीदी थी। सेड मिस्टर बाहेर लुकिंग स्टर्न। मिस्टर बाहेर जो है ये बात एकदम से कठिनाई से, कठोरता से बोलते हैं, देखते हुए बोलते हैं, शी सॉ दैट इट वॉज वर्थ मच मोर देन अ डॉलर। वो कहती, वो देखती है कि ये किताब जो है सिर्फ एक डॉलर की है, एंड ही एंड हैज सेंट इट टू मी, और उन्होंने उसे वापस कर दी है। डिड यू सेल इट डैन? वो डैन से पूछते हैं, क्या ये किताब तुमने बेच दी? यस सर वॉज द लोअर आंसर। वो धीमी आवाज में हाँ बोल देता है। वाई वॉन्टेड मनी फॉर वॉट? टू पे टॉमी। तो कहते हैं, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? क्या तुम्हें टॉमी को पैसे देने के लिए चाहिए? नेवर बोरोड अ सेंट फ्रॉम मी इन हिज लाइफ, क्राइड टॉमी। टॉमी जो है चिल्लाते हुए कहते हैं, इसने मुझसे कभी भी कोई पैसा उधार नहीं लिया है। Perhaps he took it, said Ned, who owned Dan a grudge for the ducking. तो नेड जो है वो कहते हैं कि शायद उसने लिया है, जिसने डकिंग के लिए उसे बकाया ग्रज, जो कि अनिच्छा प्रकट करता है लेने के लिए, वो दिया है। आई मस्ट हैव दिस मैटर सेटल्ड। डिड यू पुट द डॉलर इन द बान दिस मॉर्निंग? आस्क्ड मिस्टर बाहेर स्टर्नली। मिस्टर बाहेर कड़ाई से पूछते हुए कहते हैं, मुझे इस परिस्थिति को ठीक करना होगा। क्या तुमने ये डॉलर खलियान में रखे थे सुबह? डान आंसर्ड स्टेडिली, यस आई डिड। डान जो है वो कहता है, हाँ मैंने ही खलियान में ये पैसे रखे थे। मिसेज जो लेफ्ट द टेबल लुकिंग डिसअपॉइंटेड एंड सॉरी। मिसेज जो है वो टेबल को छोड़कर बड़े निराशा से उठकर चली जाती है, उसे बड़ा दुख होता है। डैन डिड हिज फेस इन हिज हैंड फॉर अ मोमेंट। डैन जो है अपना चेहरा कुछ समय के लिए अपने हाथों में छुपा लेता है। देन ही थ्रू अप हिज हेड। फिर वह अपना सर ऊपर करता है। यू मे डू वॉट यू लाइक टू मी, आई वोंट से अनदर वर्ड अबाउट इट। और कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, पर मैं इस बारे में और कुछ नहीं बोलूंगा। नॉट इवन दैट यू आर सॉरी, आस्क्ड मिस्टर बाहेर। मिस्टर बाहेर उसे पूछते हैं, क्या तुम इसके लिए सॉरी भी नहीं कहोगे, माफी भी नहीं मांगोगे? आई एम नॉट सॉरी, वो कहता है, मुझे इसके लिए कोई दुख नहीं है। ट्राइंग टू साउंड स्टर्बन बट फेलिंग एज ही लुक्ड एट मिस्टर बाहेर्स सोरोफुल फेस। वो स्टर्बन होने का दिखावा करता है, पर वो मिस्टर बाहेर से आंख नहीं मिला पाता है। मिस्टर जो took it sadly to heart that her boy had turned out so ill. Mrs. Jo को बड़ा दुख होता है इस ये जानकर कि उसके उनके जो लड़का है वो चोरी को लेकर, छूट को लेकर एक तरह से दिमागी रूप से बीमार है। The theft was bad. चोरी तो बुरी बात थी, but lying about it and also allowing another to suffer from an unjust suspicion was worse. उन्हें ये बात जानकर और भी दुख होता है कि चोरी करना तो बुरी बात है, लेकिन उसके बारे में झूठ बोलना और उस झूठ की वजह से उसका कोई और साथी संदेह के गिरफ्त में आए, ये और भी बुरी बात है। Most discouraging of all was the attempt to return the money and in an underhand way. और सबसे बुरी बात यह है कि पैसे जो उसने लौटाए हैं वो बुरी तरीके से लौटाए हैं, चुपके से लौटाए हैं।
then went about his lesson and his work silently. दान जो है अपना पढ़ाई करने के लिए, अपना काम करने के लिए चुपचाप चला जाता है. He asked for no sympathy and spent his leisure hours roaming about the fields and woods. वो दूसरों से कोई सिंपथी नहीं चाहता है. वो नहीं चाहता कि दूसरे उसे कोई सांत्वना दे. वो अपना ज्यादातर समय यहाँ वहाँ खेतों में, जंगलों में घूमने में गुजारता है. नेट फॉलोड हिम अबाउट, नेट उसके पीछे पीछे जाता है. एंड व्हेन डैन टोल्ड हिम टू स्टॉप वरिंग हिम, सेड सोरोफुली, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी ऑल अलोन. तो नेट जब उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे मत आओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तंग मत करो, तो नेट जो है चुपचाप उसे ये कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूं. आई लाइक इट एंड देन वुड ट्रैम्प अवे. वो कहता है मुझे पसंद है और दान वहां से चला जाता है. होल्डिंग बैक अ सिग फॉर ही वॉज लोनली. वो थोड़ा सा दुखी था, गहरी सांस लेता है क्योंकि वो अकेला था. पासिंग थ्रू अ ब्रिच ग्रोव वन डे, जब वो एक दिन किसी पेड़ की झुरमुट से जा रहा था. ब्रिच ग्रोव मतलब सनोवर का पेड़ या उनका झुंड जो होता है, उपवन जो होता है, उसके पास से जा रहा था. ही केम अपॉन सम ऑफ द बॉयज अम्यूजिंग themselves बाय क्लाइंबिंग अप द ट्रीज. उसने देखा कि कुछ लड़के जो हैं खेल रहे हैं पेड़ पर चढ़कर. स्विमिंग डाउन अगेन, वापिस वो उस पेड़ की डाली से झूलते हुए नीचे आ रहे हैं. एज द स्लेंडर ब्रांचेस बेंड टिल देयर टॉप्स टच द ग्राउंड, क्योंकि उस पेड़ की पतली टहनियां जो हैं वो इतनी नीचे तक झुक रही थी कि वो जमीन को छू जाए. डैन पॉज टू वॉच जस्ट एज जैक टू हिज टर्न. डैन ने देखा जब जैक अपना टर्न ले रहा था, वो टहनी से झूलने के लिए जब जैक का टर्न आता है तो डैन उसे देखता है. ही हैड अनफॉर्चुनेटली चूजन टू लार्ज अ ट्री. उसने बहुत बड़ा पेड़ चूज किया था नीचे झूलने के लिए. एंड इट ओनली बेंट अ लिटल वे. वो जिस टहनी से जैक झूल रहा था वो टहनी बहुत थोड़ी सी नीचे झुकती है. लीविंग हिम हैंगिंग एट अ डेंजरस हाइट. वो बहुत ही खतरनाक ऊंचाई पर बीच में लटक जाता है. गो बैक कॉल्ड नेड फ्रॉम बिलो. नेड उसे नीचे से कहता है कि तुम वापस ऊपर चढ़ जाओ. जैक ट्राइड बट ही कुड नॉट गेट हिज लेग्स अराउंड द ट्रंक. जैक जो है वो कोशिश करता है लेकिन वो टहनी के में अपने पैरों को अटका नहीं पाता है. एंड हंग हेल्पलेसली, और वो उस टहनी से असहाय रूप में लटका हुआ पाया जाता है. कैच मी, आई मस्ट ड्रॉप. जैक जो है चिल्लाता है मुझे कोई पकड़ लो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा. होल्ड ऑन, शाउटेड डैन एंड ही क्लाइम्ड स्विफ्टली अप द ट्री. डैन जो है नीचे से चिल्लाता है तुम पकड़ के रखो, और फिर डैन जो है जल्दी से पेड़ पर चढ़ता है. टिल ही नियरली रीच्ड जैक, जब वो जैक तक पहुंचता है. यू विल बोथ कम डाउन, क्राइड नेड. नेड चिल्लाता है अब तुम दोनों ही जल्दी ही नीचे उतर जाओगे. दैट्स वॉट आई वॉन्ट, आंसर्ड डैन. डैन कहता है मैं भी यही चाहता हूं. ही इज एडेड वेट बेंट द ट्री मेनी फीट नियरर द अर्थ. जब डैन के वजन की वजह से वो टहनी काफी हद तक धरती के पास तक आ जाती है. जैक ड्रॉप्ड सेफली. जैक जो है आसानी से नीचे उतर जाता है. बट द ब्रांच लिफ्टेड ऑफ
हाफ इट्स लोड। अब ब्रांच पर जो है वजन कम होने की वजह से वो ऊपर उठ जाती है। फ्लू अप सो सडनली दैट डैन लॉस्ट हिज होल्ड एंड फेल हैवीली। और जब वो टहनी अचानक ऊपर उठती है तो डैन जो है वो अपना टहनी पर से अपना हाथ की पकड़ खो देता है और वो नीचे गिर जाता है। आई एम नॉट हर्ट, ऑल राइट इन अ मिनट, ही सेड लुकिंग अ लिटिल पेल एंड डीजी। जब वो खड़ा होता है तो बोलता है मैं ठीक हूं, वो थोड़ा सा गिरते पड़ते हुए खड़ा होकर दिखाता है। एज द बॉयज गैदर राउंड हिम इन अलार्म, वहां पे जितने भी बच्चे थे वो सारे बच्चे उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। यू आर अ ट्रम्प डैन, क्राइड जैक ग्रेटफुली। जैक जो है वो कहता है कि तुमने सबको पछाड़ दिया, तुम बहुत अच्छे हो। इट वॉजेंट एनीथिंग, मटर्ड डैन। डैन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। राइजिंग स्लोली एंड वॉकिंग अवे वाइल द बॉयज टॉक्ड ओवर द ब्रेव फीट। जब वो धीरे से उठता है और आगे जा रहा होता है तो बाकी के लड़के उसकी बहादुरी की चर्चा कर रहे होते हैं। When Mr. Bahir came into school next morning, जब मिस्टर बाहिर दूसरे दिन स्कूल आते हैं, he went straight to Dan, वो सीधा दान के पास जाते हैं, and shaking him by both hand, and said in one breath, और उसे अपने दोनों हाथों से शेक करते हुए, हिलाते हुए, अपनी एक सांस में उसे कहते हैं, I know all about it, मुझे सब कुछ पता चल गया है। एंड आई बेग योर पार्डन, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इट वॉज लाइक यू टू डू इट, ऐसा काम तुम ही कर सकते हो। एंड आई लव फॉर इट, मैं इसलिए तुमसे प्यार करता हूँ। दो इट्स नेवर राइट टू टेल लाई इवन फॉर अ फ्रेंड, हालांकि झूठ बोलना बहुत गलत बात है, चाहे वो झूठ अपने दोस्त के लिए ही क्यों ना बोला जाए। What is it? cried Nat. Nat चिल्लाता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? For Dan said not a word. Dan कुछ भी नहीं कहता है. Only lifted up his head as if a weight had fallen off his back. सिर्फ वो अपना सर ऊंचा करता है, ऐसे लग रहा होता है जैसे उसके सर से बहुत बड़ा भार उतर गया हो। Dan did not टेक टॉमीज मनी, मिस्टर बाहिर ऑलमोस्ट शाउटेड इट, ही वॉज सो ग्लैड। मिस्टर बाहिर कहते हैं मुझे बहुत खुशी है कि डैन ने टॉमी के पैसे नहीं लिए थे। हु डिड, क्राइड द बॉयज इन कोरस, सारे बच्चे एक साथ पूछते हैं तो किसने लिए। मिस्टर बाहिर पॉइंटेड टू वन एम्प्टी सीट, मिस्टर बाहिर एक खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं जैक वेंट होम अर्ली दिस मॉर्निंग। जैक जो है अपने घर सुबह सुबह जल्दी चला गया है, बट ही लेफ्ट दिस बिहाइंड, उसने ये कागज लिखकर छोड़ा है। मिस्टर बाहिर रीड आउट द नोट द बॉय हैड रिटन। मिस्टर बाहिर जैक ने जो नोट लिखकर छोड़ा था उसको पढ़कर सुनाते हैं। I took Tommy's dollar. I saw him put it there. Jack लिखता है कि मैंने टॉमी के डॉलर लिए थे क्योंकि मैंने उसे वहां रखते हुए देखा था। I was afraid to tell before. मुझे डर लग रहा था कि मैं किसी के सामने ये बात कहूंगा तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। I didn't care so much about Nat. मैंने Nat के बारे में कुछ नहीं सोचा। But Dan is a trump. And I can't stand it any longer. Dan जो है उसने सबको पछाड़ दिया है और मैं उसके सामने अब और नहीं खड़ा रह सकता। I never spent the money. मैंने वो पैसे खर्च नहीं किए हैं। It's behind the wash stand in my room. Wash stand के पीछे वो पैसे रखे हुए हैं। I am awfully sorry. मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। I am going home. मैं घर जा रहा हूँ। एंड डोंट थिंक आई शैल एवर कम बैक, मैं ये मत सोचना कि मैं शायद कभी नहीं आऊंगा। सो डैन मे हैव माई थिंग्स,
तो इसीलिए दान जो है वो मेरी सारी चीजें रख सकता है. इट वॉज नॉट एन एलिगेंट कन्फेशन. ये बहुत ही सुंदर अपराध को स्वीकार करना था. बींग बैडली रिटन एंड वेरी शॉर्ट, बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ था, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ था. बट इट वॉज प्रीशियस टू डैन, पर वह डैन के लिए बहुत ही कीमती था. वेन मिस्टर बाहिर पॉज्ड, जब मिस्टर बाहिर रुकते हैं, द बॉय वेंट टू हिम, सब लड़के उसके पास जाते हैं, सेइंग इन अ ब्रोकन वॉइस, आई विल से आई एम सॉरी नाउ एंड आस्क यू टू फॉरगिव मी सर. वो कहता है कि सर मैं अब आपसे माफी मांगता हूं और शायद आप मुझे माफ कर देंगे. इट वॉज अ काइंड लाई डैन एंड आई कांट हेल्प फॉरगिविंग इट, बट यू सी इट डिड नो गुड. तो कहता है कि दान तुमने किसी पर दया करके झूठ बोला था, मैं तुम्हें जरूर माफ करूंगा, पर तुमने देखा कि तुम्हारे झूठ से किसी का भला नहीं हुआ है. सेड मिस्टर बाहिर विद अ फेस फुल ऑफ अफेक्शन. मिस्टर बाहिर ये बात एकदम प्यार से कहते हैं. इट कैप्ट द बॉयज फ्रॉम ट्रबलिंग नेट. इस तुम्हारी झूठ की वजह से नेट को सब लड़कों ने बहुत परेशान किया है. दैट्स वाई आई डिड इट, इट मेड हिम मिजरेबल. दान कहता है कि सब बच्चों ने जब नेट को इतना परेशान किया तब ये मैंने किया, क्योंकि इस वजह से नेट जो है बड़ा दुखी था. आई डिंट केयर सो मच, मैं ज्यादा कोई परवाह नहीं करता हूँ. एक्सप्लेन्ड दान ग्लैड टू स्पीक अब आउट आफ्टर हिज हार्ड साइलेंस. ये सारी बातें काफी चुप्पी साधने के बाद दान सबके सामने कहता है. हाउ कुड यू डू इट, यू आर ऑलवेज सो काइंड टू मी, स्टैमर्ड नेट. नेट कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम हमेशा मेरे साथ इतनी दया रखते हो. इट्स ऑल राइट नाउ ओल्ड फेलो, सो डोंट बी अ फूल, दान सेड. दान कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, बेवकूफ मत बोलो. स्वॉलोइंग द लंप इन हिज थ्रोट, वो कुछ गले में निगलते हुए कहता है. डज मिसेज बाहिर नो, ही आस्क्ड ईगरली. नेट उसे पूछता है क्या मिसेज बाहिर को इस बारे में पता है. यस एंड शी इज सो हैप्पी, आई डोंट नो व्हाट शी विल डू. वो बोलते हैं वो बहुत खुश है, मुझे नहीं पता अब वो क्या करेगी. बिगैन मिस्टर बाहिर. मिस्टर बाहिर कहते हैं कि वो बहुत खुश है और मुझे नहीं पता कि अब वो क्या करेगी. बट गॉट नो फार्दर फॉर अ वॉइस क्राइड थ्री चीयर्स फॉर डैन एंड देयर वॉज मिसेस जो इन द डोरवे. तभी मिसेस जो जो है वो दरवाजे पर होती है और जोर से चिल्लाती है थ्री चीयर्स फॉर डैन, वेविंग अ डिश टॉवल एंड लुकिंग एज इफ शी वॉन्टेड टू डांस अ जिग. वो डिश टॉवल को हिलाते हुए ऐसे लग रहा होता है कि वो डांस करने वाली है. नाउ देन क्राइड मिस्टर बाहिर एंड लेड ऑफ रशिंग हुरे. तभी मिस्टर बाहिर भी जोर से हुरे कहते हैं, उत्साहपूर्ण वाहवाही देते हैं. इन द डेज दैट फॉलोड ऑल द बॉयज ट्राइड टू मेक अप टू नेट एंड डैन फॉर फॉर्मर सस्पिशन एंड नेग्लेक्ट. इन द डेज जब सब लोग नेट और दान की तरफ संदेह पूर्वक देख रहे थे, मिसेज जो रिजॉइस्ड ओवर हर फोक. मिसेज जो है बहुत प्रसन्न होती है अपने इन सारे बच्चों की तरफ. एंड मिस्टर बाहिर वॉज नेवर ट्राइड ऑफ टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिज यंग डायमंड एंड पीथियस. मिस्टर बाहिर जो है वो हमेशा अपने इन युवा डायमंड और पीथियस की स्टोरी सुनाते हुए थकते नहीं है. अ ट्रू फ्रेंड विल चीयरफुली मेक
पर्सनल सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. सच्चा दोस्त कभी भी सच्ची दोस्ती के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता है.